आज मैं आपके साथ पंजाबी दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने ये चना दाल ली है और ये मैंने मूंग दाल ली है। इन दोनों दालों को मिक्स करके हम लोग पानी में भिगो के रखेंगे। इसको मैंने 5 से 6 घंटे पानी में भिगो के रखा है और ये दालें देखें अच्छे से फूल चुकी हैं। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें हम पानी डालेंगे। अब ये मैंने दालों को अच्छे से वॉश कर लिया था और ये प्रेशर कुकर में मैंने पानी डाल लिया है, तो अब हम दालों को इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन देंगे और ढक्कन देने के बाद हम लोग 3 से 4 विसल बजने के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब ये हमने 4-5 टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज की प्याज ली हैं और ये 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अब इन चीज़ों को हम लोग वॉश करके फिर कटिंग करेंगे। अभी मैंने प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया है, आप इसको कटिंग करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अभी कढ़ाई में जो है ऑयल डाला था, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम ये प्याज शामिल कर रहे हैं। अभी प्याज जो है स्लो स्लोली भून चुका है, तो अब इसमें हम 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और अब इस मसालों को इसमें हम पकाएंगे। उसके बाद मैंने जो टमाटर थे उसको मैंने चॉप कर लिया है, तो इसमें हम शामिल कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे 1/2 कप और इन मसालों को इसमें हम थोड़ी देर पकाने के लिए रखेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे। पिसा हुआ धनिया डालने के बाद जो है हम इसमें नमक डालेंगे एज पर टेस्ट, और ये मैं इसमें साबुत गरम मसाले के पत्ते डाल रही हूँ। उसके बाद हम इनको इसमें इस तरीके से चम्मच घुमाते रहेंगे। उसके बाद जो प्रेशर कुकर में दाल और मूंग की दाल पक चुकी है वो तो मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए मसालों में अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद 2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर डालेंगे, जिसको ड्राई मैंगो पाउडर भी कहा जाता है। इसके ऊपर हम गरम मसाला डालेंगे और ये गरम गरम पंजाबी दाल रेडी हो चुकी है। ये पंजाबी दाल के ऊपर मैंने घी डाला था और घी से जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये गरम गरम पंजाबी दाल खाने के लिए रेडी हो चुकी है। ये दाल आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल पर लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, और ये पंजाबी दाल अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। थैंक यू।